पिको टर्मरिक क्रीम के फायदे के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके नुकसान से वाकिफ है? नहीं ना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके कुछ साइड इफेक्ट जो हमारे स्किन में हमने खुद फील किया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको इसके फायदे के साथ साथ नुकसान जानना है। तो नुकसान जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडिया का ट्रस्टेबल ब्रांड है और वीको को हम ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है ये जानना आपका भी हक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सभी इससे वाकिफ है इसकी पैकेजिंग से। और ये है वीको का टर्मरिक आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए। बेसिकली ये बना है सैंडलवुड ऑयल से और टर्मरिक से। तो नोटिस करिए, इसमें चंदन का तेल यूज किया गया है, ना कि चंदन का पाउडर यूज किया गया है, और इसमें हल्दी का भी यूज किया गया है फ्रेंड्स। पास 15 ग्राम का पैक और इसकी जो प्राइस है 63 रुपीज है फ्रेंड्स। और इसके अलग अलग साइजेस मार्केट में अवेलेबल है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह मिल जाएंगे। सेल्फ लाइफ की बात करो तो 3 साल है फ्रेंड्स। इसके कुछ क्लेम भी है, जैसे कि ये क्लेम करती है कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो प्रिवेंट करेगा, क्योर करेगा आपकी स्किन की इंफेक्शंस को, इन्फ्लेमेशंस को, ब्लेमिशेस को, जैसे कि छाइयां जो हो जाती है हमारे फेस पे, स्किन डिसऑर्डर और साथ ही पिंपल एक्ने को भी ये क्योर करता है। और अगर आपकी स्किन कहीं पे थोड़ी सी जल या कट जाती है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके फेस के लिए ही नहीं, आपके एक फर्स्ट एड बॉक्स में जैसे यूज़ होता है क्रीम, उस तरीके से भी ये काम आ सकता है। ये इस तरीके इसकी जो ट्यूब है कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। और ये ट्यूब जो है आप कहीं पे भी इजीली कहीं ले जा सकते हो। इसकी जो कलर की बात मैं बताऊं और क्रीम के टेक्सचर के बारे में, तो क्रीम देख लीजिए ये येलो कलर में आती है क्योंकि इसमें सैंडलवुड और हल्दी का यूज़ किया गया है। और एक अच्छी बात इसमें है कि इसमें कोई भी पैराबिन, SLS, कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इसकी अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो बहुत लोग कहते हैं मुझे पसंद है, बट बेसिकली मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि आप जब इसे अप्लाई करते हो तो अगल बगल जो भी आप क्लास में किसी के साथ बैठो आप, मतलब कॉलेजेस वगैरह में, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि आप इको टर्मरिक ही अप्लाई किए हो। ये आपकी स्किन में आसानी से इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन अगर आपकी स्किन में फेशियल हेयर है तो ये थोड़ा सा आपके फेशियल हेयर में लगता है, फिर ये मेल्ट डाउन हो जाती है ईजिली, आप देख सकते हो अभी और अभी। तो आप सोच रहे हो इतने अच्छे हो तो इसमें साइड इफेक्ट क्या है, वो तो मैं आपको अभी शेयर करने ही वाली हूँ। और आसानी से ये क्रीम लग जाता है, लेकिन अब हम बात करते हैं ये क्रीम मेरे स्किन पे किस तरीके से वर्क कर रही थी, आई मीन कैसा साइड इफेक्ट था कैसा नहीं था। तो फ्रेंड्स जब मैंने इस क्रीम को यूज़ किया तो फर्स्ट डे ही मेरे फेस थोड़ी सी रेडिश हो गई, स्टिक्स एरिया में, फॉरहेड में और इस जगह पे, ठीक है। और छोटे छोटे जैसे कि ब्रेकआउट्स होने पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं ना, वैसे हो गए। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा ये क्या तुम्हारे फेस पे हो गया है, तो हमें लगा कि हमारी स्किन तो थोड़ी सी सेंसिटिव है ही, हो सकता है यूं ही हो गई होगी। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने इसे यूज़ किया तो भी वही हाल था। एंड लास्ट में मैंने क्या किया, 1 वीक बाद अप्लाई किया, 1 वीक के बाद भी सेम इज इट वही रिजल्ट था फ्रेंड्स। और मेरी स्किन थोड़ी सी डार्क लग रही थी पहले के मुकाबले, जैसे मेरा स्किन टोन है थोड़ा सा फेयर है बट वो डार्क लग रही थी और हर जगह रेड रेड दाने निकल गए थे। तो मुझे ये समझ में तो आ ही गया था कि ये वीको टर्मरिक क्रीम मेरी स्किन पे अच्छा वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें बेसिकली यूज़ किया गया है चंदन का तेल का। और जानते हो ना आप, सैंडलवुड का जो ऑयल होता है वो गर्म होती है, ठीक है, वो आपकी स्किन पे हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से ना आपकी स्किन उस चीज़ को कोई कोई बर्दाश्त कर सकता है आपकी स्किन, किसी किसी की स्किन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और स्पेशली इसमें हल्दी, हल्दी भी बहुत सारी स्किन टाइप को सूट करता है, किसी किसी स्किन टाइप को नहीं सूट करता। तो मेरी स्किन तो है सेंसिटिव, तो मेरी स्किन को हल्दी का जो ये है कॉम्बिनेशन और सैंडलवुड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो अगर आपकी स्किन भी है सेंसिटिव, मैं तो आपको पहले ही अलर्ट कर दूंगी कि आप लोग प्लीज़ अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट जरूर कर लो, नहीं तो फिर पता चला आपकी स्किन भी मेरी तरह हो जाएगी, ठीक है। एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी मत यूज़ करिए। मेरी स्किन ड्राई है, जब मैंने इसे यूज़ किया तो आपकी स्किन बहुत खिंची खिंची लगती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइजिंग तो नहीं लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन कहीं से कुछ ऐसे कहीं से कुछ ऐसे लगेंगे। तो जाहिर सी बात है जब आपकी स्किन कोई हाइड्रेट और मॉइस्चराइज नहीं करेगा तो आपकी स्किन भी तो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग ही नहीं सकती, चाहे इसमें कितनी भी हल्दी और चंदन का यूज़ किया गया हो, मतलब ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखती है। और अगर मैं इसकी एक और माइनस पॉइंट की बात करूं तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन वाली है तो भी मैं आपको मना करूंगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या है ना, इसमें हल्दी और चंदन का यूज़ किया गया है जो कि ऑयल है, ये लोग गर्म होते हैं, ठीक है। और अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल होता है ना, वो भी देखिएगा बॉडी में ज़्यादातर हीट की वजह से भी होता है, ये भी एक रीज़न माना गया है।
तो ये क्या करती है आपकी स्किन में ना, मल्टीप्लाई करती पिंपल को और ज्यादा प्रोवोक करती है, बढ़ा देती है आपकी स्किन में जो भी पिंपल्स अंदर रहते हैं उसको भी निकाल देती है। देखिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं वीको टर्मरिक यूज करने के बाद मेरे फेस में बहुत ज्यादा पिंपल और भर भर के होने लगा, तो यही उसका मेन रीजन होता है कि ये आप हर किसी को एक्ने प्रोन स्किन में भी ये ठीक नहीं रहता है। और अगर आपकी एलर्जी वाली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, तो इसको बिल्कुल भी नो ना कहें आप इसे। अगर ये आपको सूट करती है, आपने कभी इसे लगाया है और आपको अच्छे रिजल्ट देती है, तो मैं इसे मना नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप दोनों कुछ भी जो मैंने अभी बताया उनमें से कुछ भी एक है, तो प्लीज़ आप इसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले तो ज़रूर इसका पैच टेस्ट ट्राई करें, क्योंकि कहता है ये कि आपकी एक्ने पिंपल को ठीक करेगा। तो मे बी एक दो तीन पिंपल्स आए होंगे तो आपके ठीक हो सकते हैं, बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसका यूज ना करें, क्योंकि हल्दी जो होता है वो क्योर करने के जगह ना आपके पिंपल्स को और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें चुटकी भर हल्दी यूज नहीं हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा भर भर के हल्दी का यूज किया गया। मेरे साथ यही कुछ प्रॉब्लम हुए हैं फ्रेंड्स, जो मैंने बहुत जल्दी टच उड नोटिस कर लिया, उसके बाद वो सारी चीज़ रिकवर करने में मेरे को टाइम नहीं लगा। मैं हमेशा ही फिर उसके बाद एलोवेरा जेल लगाती गई और उसके बाद मैंने इस क्रीम को एकदम से ना ये देखिए स्टॉप कर दिया उसके बाद से, क्योंकि इंडिया के ट्रस्टेबल ब्रांड क्रीम है और बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारी गर्ल्स इसे यूज़ करती हैं, उसके बाकायदा बहुत अच्छे फ़ायदे भी मिले हैं उनको। लेकिन शायद उनकी स्किन ऑयली होती होगी, नॉर्मल होती होगी, या फिर उस तरीके के स्किन नहीं है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, तो उन लोगों को ये सूट करेगी, फायदे पहुंचाएगी। ठीक है, ये अपने जैसे क्लेम करता है कि आपकी स्किन अगर जल जाती है तो उस पर आप यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे घाव या दाने फुंसी होते हैं तो उस पर वर्क करता है, तो 100% ये वर्क करती है फ्रेंड्स। ये नहीं है कि एकदम से ये 00 क्रीम है, ये भी बहुत नंबर वन क्रीम है, बट अगर आपकी स्किन इन तीनों में से एक है, जैसे कि सेंसिटिव है या फिर एक्ने प्रोन है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इस क्रीम को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा ज़रूर सोच लें। फ्रेंड्स, यही था हमारा वीको टर्मरिक क्रीम के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू, साथ ही मेरा एक एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ये क्रीम कैसा रहा कैसा नहीं रहा इसको यूज़ करने के बाद। अगर ये आप लोग के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, प्लीज़ मुझे पता है कि ये बहुत लोगों का फेवरेट है, तो आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये क्रीम जो है हर किसी पर अलग अलग तरीके से वर्क करती है, तो मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चलिए मिलूंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेसिंग, स्टे ब्यूटी।